खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ेंगी, मेरे साथ प्रियंका होंगी, मेरे साथ अनामिका सिंह होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो अहम खबर है और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो हम आपको बता दें। और बात ये कि क्या गाजा के मुस्लिमों की जान बांग्लादेश के हिंदुओं से ज्यादा कीमती है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसे आरोप लग रहे हैं भारत की वो जो लिबरल बिरादरी है उस पर कि उसको गाजा में वो मुस्लिम दिखते हैं लेकिन उसको बांग्लादेश की वो सड़कें नजर नहीं आती है, ढाका की वो सड़कें नजर नहीं आती है जहां पर हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। आखिर क्यों कश्मीर फाइल्स जो है वो बांग्लादेश में दोहराने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल गैंग जो है ये बांग्लादेश पर चुप क्यों है? बांग्लादेश पर जो स्थिति है हिंदुओं की वो उसको दिखाई नहीं देता? पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं फिर उस पर करेंगे विस्तार से बात। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की है जहां यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू हजारों किलोमीटर दूर सनातनियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन हिंदुओं की मांग है कि विश्व में शांति के लिए स्थापित इस संस्था के अधिकारी बांग्लादेश के हालात पर भी कुछ कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन क्यों हो रहा है इसकी वजह समझने के लिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं, जहां हजारों लोग भारत में घुसने के लिए खड़े हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले से जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू मारे मारे फिर रहे हैं। हिंदुओं की ये भीड़ ना तो वापस अपने घर जा सकती है ना ही भारत में एंट्री कर सकती है। जान की भीख मांगते लोग बॉर्डर पर भी फंस गए हैं। पिछले मंडे से ये बंद है हमारा आईसीपी एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है एंड वी आर वॉचफुल, इफ द सिचुएशन इम्प्रूव वी विल अगेन स्टार्ट। दरअसल बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुआ उत्पात अब हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया है। ना तो बांग्लादेश की सरकार और ना ही वहां के तथा कथित बुद्धिजीवी और छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हिंदू विरोधी हिंसा रोकने में सबके सब नाकाम साबित हो रहे हैं। कई दिनों से जारी हिंसा के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनकी एक ही मांग थी कि बांग्लादेश की सरकार उन्हें इस्लामिक उग्रवादियों से बचाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर वर्तमान सरकार के कर्ता धर्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं। I strongly suspect ISI. If you notice that the protests, now they were attacking the police with firearms, with weapons. बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार फेंका है जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं। यहाँ तक कि देश के विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? हालांकि इस मामले को लेकर के भारत की केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। समिति के सुरक्षा बलों से जुड़े कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शांत बैठी है। भले ही बांग्लादेश से डराने वाली तस्वीरें आ रही हो लेकिन किसी भी बड़े देश ने इसको लेकर अभी तक चिंता जाहिर नहीं की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी अब तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किया है।
पद संभालने के पहले उन्होंने सिर्फ हिंसा पर चिंता जताकर खानापूर्ति की, लेकिन कामकाज संभालने के बाद हिंसा रोकने के लिए अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि बांग्लादेश में एक्टिव कई कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं को भी सरकार में शामिल किया गया है, जिससे हिंसा घटने की बजाय और बढ़ सकती है। फिलहाल बांग्लादेश के हिंदुओं के पास अपनी जान खुद बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ेंगी, मेरे साथ प्रियंका होंगी, मेरे साथ अनामिका सिंह होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो अहम खबर है और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वो हम आपको बता दें। और बात ये कि क्या गाजा के मुस्लिमों की जान बांग्लादेश के हिंदुओं से ज्यादा कीमती है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे आरोप लग रहे हैं भारत की वो जो लिबरल बिरादरी है उस पर, कि उसको गाजा में वो मुस्लिम दिखते हैं लेकिन उसको बांग्लादेश की वो सड़कें नजर नहीं आती है, ढाका की वो सड़कें नजर नहीं आती है जहां पर हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। आखिर क्यों कश्मीर फाइल्स जो है वो बांग्लादेश में दोहराने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल गैंग जो है ये बांग्लादेश पर चुप क्यों है? बांग्लादेश पर जो स्थिति है हिंदुओं की वो उसको दिखाई नहीं देता? पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर करेंगे विस्तार से बात। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की है, जहां यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू हजारों किलोमीटर दूर सनातनियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन हिंदुओं की मांग है कि विश्व में शांति के लिए स्थापित इस संस्था के अधिकारी बांग्लादेश के हालात पर भी कुछ कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह समझने के लिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं, जहां हजारों लोग भारत में घुसने के लिए खड़े हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले से जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू मारे मारे फिर रहे हैं। हिंदुओं की ये भीड़ ना तो वापस अपने घर जा सकती है, ना ही भारत में एंट्री कर सकती है। जान की भीख मांगते लोग बॉर्डर पर भी फंस गए हैं। पिछले मंडे से ये बंद है हमारा आईसीपी, एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है, एंड वी आर वॉचफुल, इफ द सिचुएशन इम्प्रूव वी विल अगेन स्टार्ट। दरअसल बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं, सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुआ उत्पात अब हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया है। ना तो बांग्लादेश की सरकार और ना ही वहां के तथाकथित बुद्धिजीवी और छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हिंदू विरोधी हिंसा रोकने में सबके सब नाकाम साबित हो रहे हैं। कई दिनों से जारी हिंसा के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनकी एक ही मांग थी कि बांग्लादेश की सरकार उन्हें इस्लामिक उग्रवादियों से बचाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर वर्तमान सरकार के कर्ता धर्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं। I strongly suspect ISI. If you notice that the protests, now they were attacking the police with firearms, with weapons. बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार फेंका है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं। यहाँ तक कि देश के विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? हालांकि इस मामले को लेकर के भारत की केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे।
समिति के सुरक्षा बलों से जुड़े कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शांत बैठी है। भले ही बांग्लादेश से डराने वाली तस्वीरें आ रही हों, लेकिन किसी भी बड़े देश ने इसको लेकर अभी तक चिंता जाहिर नहीं की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी अब तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किया है। पद संभालने के पहले उन्होंने सिर्फ हिंसा पर चिंता जताकर खाना पूर्ति की, लेकिन कामकाज संभालने के बाद हिंसा रोकने के लिए अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि बांग्लादेश में एक्टिव कई कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं को भी सरकार में शामिल किया गया है, जिससे हिंसा घटने की बजाय और बढ़ सकती है। फिलहाल बांग्लादेश के हिंदुओं के पास अपनी जान खुद बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।